को विकसित देना चाहती है, लेकिन साथ साथ एनडीए को 400 पार देकर के देश को लूटने वालों को, भ्रष्टाचारियों को, संविधान के साथ खिलवाड़ करने वालों को सजा देने के लिए भी वो हमें 400 पार देना चाहते हैं। ये चुनाव एनडीए को जिताने का भी है, ये चुनाव देश में तबाही करने की आदत रखने वालों को सजा देने का है, और इसलिए हिसाब 400 के पार जाने वाला है। भाइयों बहनों, 19 अप्रैल को गर्मी कितनी क्यों ना हो, हमें सुबह सुबह मतदान करना है, ज्यादा से ज्यादा मतदान करना है। करोगे? हमें हर मतदाता को मिलना है, मिलोगे? हमें हर पोलिंग बूथ जीतना है, जीतोगे? मेरा एक काम करोगे? जीतन राम मांझी का काम नहीं है, मेरा है, करोगे? घर घर जाना और लोगों को कहना मोदी जी आए थे और मोदी जी ने अपना प्रणाम भेजा है, मेरा प्रणाम पहुंचा दोगे? मेरा प्रणाम पहुंचा दोगे? बार बार आ रहे हैं, स्वागत है प्रधानमंत्री जी को, यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ का लिट्टी चोखा खा के जाइए। और मैं आपसे हाथ जो के जोर के आग्रह करता हूँ कि बिहार के युवा को, बिहार के लोगों को इतना मूर्ख मत समझिए। आपने जो 2014 में या 2019 में जो आपने वादा किया था, वो वादा पूरा किए कि नहीं किए, वो हमारे बिहार के युवा को बताइए कि आपने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, वो पूरा किए कि नहीं किए? कितना पूरा किए? थोड़ा कम भी किए होंगे तो बता दीजिए कि कितना कम किए हैं। और आपने कहा था विदेश से काला धन लाएंगे, वो आया कि नहीं आया? नहीं आया तो कितना नहीं आया, और कितना बिहार इंडिया से चला गया उसके ऊपर बताइए। किसान को आई दुगुनी करनी थी, वो आपने किया कि नहीं किया वो बताइए। बिहार को विशेष पैकेज देना था, वो आपने दिया कि नहीं दिया वो बताइए। मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि मुख्यमंत्री जी हमेशा विशेष राज्य का दर्जा के लिए हमेशा देश के प्रधानमंत्री जी की लड़ाई लड़ते थे, वो बताइए कि ये प्रधानमंत्री जी का तीसरी बार अगर बनते हैं, दो बार तो नहीं किए लेकिन तीसरी बार बनते हैं, तो क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये सब बातें आप बिहार के लोगों को बताइए, सिर्फ आके दुनियादारी का भाषण दे के जाना, ये हमारे लगता है कि हमारे बिहार के लोगों के लिए, बिहार ही के लिए ये कहीं ना कहीं गलत समझते हैं आप लोग, इसलिए हम लोगों को गुमराह करने के लिए आते हैं। तो आपसे हाथ हाथ जोड़ के आग्रह है कि बिहार के लोगों को जो आप 10 साल में हैं काम किए, उसको रिपोर्ट कार्ड बताइए। आगे क्या कीजिएगा वो मत बताइए, हमको पता है कि आगे आप क्या कीजिएगा ना, जो पहले किए वही कीजिएगा आगे, लेकिन जो पहले किए हैं वो बताइए कि आपने क्या क्या किया है बिहार के लिए। बिहार में एयरपोर्ट आपने कहा था कि पूर्णिया में चालू हो गया, क्या चालू हुआ कि नहीं हुआ वो बताइए। तो ये तमाम चीज़ें जो है, जो खास करके बिहार का, बिहार के लोगों का, बिहार का तरक्की का बात जो हो उसके बारे में बात कीजिए, सिर्फ इधर आके भाषण और राशन मत दीजिए। पार्टी के जो नेता है वो जेडीयू में शामिल हुए हैं, जमीन लेकर के टिकट दिए आप लोग। देखिए सत्ता पक्ष में है वो लोग कुछ भी बोलेंगे, उनका हम लोग क्या जवाब देंगे? अभी वही जेडीयू है जिनके इधर 10 करोड़ रुपया का बॉन्ड आके किसी ने रख दिया और बैंक में डिपॉजिट कर लिए, और बाद में कहे कि ये स्टॉक बॉन्ड जो है 10 करोड़ किसी ने ला के रख दिया। अरे भाई, आपके पास आप लोग है ना, काम देते हो, धंधा देते हो, चंदा लेते हो, हम लोग गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, हम लोगों पर जितना आरोप लगाना लगाइए, जितना गाली देना गाली दीजिए, जो करना कीजिए, हम लोग गरीब आदमी हैं, गरीब को तो कोई माय बाप होता नहीं है, गरीब को हर कोई टारगेट करता है, तो हम लोग छोटा पार्टी है, जितना टारगेट करना कीजिए। और रहा जेडीयू, खुद जो अपनी पार्टी ऑक्सीजन वेंटिलेटर पे है वो दूसरे पार्टी को क्या तोड़ेंगे? एक आदमी को, दो आदमी को इधर रोड से उठा के अपने ज्वाइनिंग कर लेने से नहीं होगा। उनकी पार्टी बताइए, वो बताए कि 2025 में क्या वो जितना 2024-20 में जितना सीट पे चुनाव लड़ा, क्या नीतीश जी उतना सीट पर 2025 में चुनाव लड़ेंगे? 2025 तक उनकी पार्टी रहेंगे, ये लोकसभा चुनाव के बाद उनकी पार्टी रहेंगे? आज उनकी पार्टी में नीतीश जी
इस चुनाव के बाद रिटायर होंगे और रिटायर होंगे तो उनकी पार्टी स्वतः खत्म हो जाएंगे। उनके सैकड़ों लोग रोज हम लोगों को ज्वाइनिंग करते हैं, लेकिन हम लोग ये मीडिया में क्या लाएंगे? हम काहे के लिए नीतीश जी को परेशान करें, चिराएं? उनके लोग पूरे बिहार में आज जो हमारे पास जितने भी लोग हैं, कार्यकर्ता है, कहाँ चाहे सब नीतीश जी के पास ही आए, क्योंकि हमारे पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनने से पहले अति पिछड़ा का राजनीति नीतीश जी ही करते थे और अति पिछड़ा के नाम पे ही बिहार में इतने साल से मुख्यमंत्री बने। अब अति पिछड़ा का बेटा खुद आ गए तो आज हमारे लोग जो उनके पास थे या भाजपा के साथ थे, सारे लोग हमारे पास आ गए। हम कोई चांद पे से हम लोगों को नहीं लाएं, बिहार से ही लाएं। आज हमारे पास लाखों की संख्या में कार्यकर्ता है, ये लाखों कार्यकर्ता जो है वो जेडीयू से आए हैं और मदन सहनी हो या कोई भी हो, आने वाला समय में देखिएगा वो भी वीआईपी पार्टी में आएंगे। अच्छी बात है, अच्छी बात है, चुनाव का समय है और ये हम सब बिहारियों के लिए गर्व की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी इतना समय बिहार को दे रहे हैं। ना सिर्फ चुनाव के वक्त बल्कि चुनाव से पहले भी उनके जो कार्यक्रम हुए, देखिए प्रधानमंत्री जी का के प्रति लोगों में एक दीवानगी है। लोग चाहते हैं, बिहारी खासतौर पर प्रधानमंत्री जी को बहुत चाहते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री जी जितना यहाँ पर आएंगे उतना हमारे गठबंधन को लाभ होगा और हम बार बार कहते हैं कि 40 की 40 सीटें हम लोग जीतेंगे, मार्जिन प्रधानमंत्री जी के आने से हमारा बढ़ता जाएगा। सवाल पूछे 10 और कहे कि भ्रष्टाचार, वंशवाद, परिवारवाद पे कब मुंह खोलेंगे प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री हर उस विषय पर अपनी बातों को रखते हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं, जो चुनाव के वक्त रेलिवेंट है। ऐसे में प्रधानमंत्री जी की बातों का ही असर है कि 14 से बड़ी जीत 19 में, 19 से बड़ी जीत अब हम लोग 24 में देखने जा रहे हैं। गठबंधन के नेता है वो आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री को और कह रहे हैं कि हार रहे हैं इसीलिए बार बार बिहार आ रहे हैं। ये आरोप 14 में भी लगते रहे, 19 में भी लगते रहे, इवेंचुअली हारा कौन है ये सबको पता है। 14 के भी परिणाम हम लोग के सामने, 19 के भी, और अब बहुत दिन की बात नहीं है, महज 1.5 महीना और बचा है। 4 जून को अपने आप जब रिजल्ट सामने आएंगे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये बोला है कि प्रधानमंत्री अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए विपक्ष को भ्रष्टाचारी कह रहे हैं। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री हैं। आप लोग अपनी कमियों को छुपाने के लिए जब इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है तो विपक्ष अपनी कमजोरी को दर्शाता है। आधे घंटे तक था, आधा घंटा खाली मेरे परिवार के बारे में बोले हैं कि लालटेन के जमाने में पीछे कीजिएगा एलईडी को, बोलूंगा मोबाइल चार्ज नहीं होता लालटेन से, आगे करो ना लो मोबाइल को चार्ज करना है, लोगों को मोबाइल को चार्ज करना है, मोबाइल से कोई रोजगार मिलेगा? राष्ट्रीय जनता दल जो अपना वादा किया था 17 महीनों में, जो 17 वर्षों तक पूरा नहीं किया, 17 महीनों में हम लोगों ने रोजगार देके दिखाया, 5 लाख रोजगार दिया है, मोबाइल से क्या होगा, रोजगार मिलेगा? रोजगार की बात क्यों नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? किसानों की MSP की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आय दुगनी करने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? महंगाई कम करने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? नीचे कर नहीं रहे, ये सब बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप परिवार पे किस लिए बोल रहे हैं? मांझी जी किसके परिवार के हैं? परिवारवाद पे क्यों बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी? परिवारवाद से किसी देश का मतलब, किस नौजवान को रोजगार मिल जाएगा इस पे बोलने से? किस किसान की आय दुगनी हो जाएगी? क्या कहना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री जी? ये नीतीश कुमार वो प्रधानमंत्री के साथ आज मंच साझा नहीं कर रहे हैं, मोदी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी बताएंगे ना कि क्यों नहीं साझा कराना चाह रहे हैं। ये तो उनका अंदरूनी मामला है ना, शायद हमको लगता है कि उस दिन वो उनको 400 के जगह वो 4000 बोल गए, माफ़ी मांगना पड़ा पैर छू के प्रधानमंत्री जी से, नीतीश कुमार जी को, शायद कारण यही रहा होगा, हम तो जानते नहीं है कारण, ये तो प्रधानमंत्री जी बताएंगे और भारतीय जनता पार्टी और JDU के लोग बताएंगे या फिर क्या कारण है कि दो नेता अभी साथ में आए हैं और मंच साधा नहीं कर रहे हैं। एनडीए गठबंधन का हर सदस्य ये कह रहा है कि 40 सीट बिहार में जीतेंगे, सपना दिखाया लेकिन मोदी ने
उसको पूरा करने का काम किया। कौन सा, वही तो हम भी पूछ रहे हैं, देश के लोग भी तो यही पूछ रहे हैं, मोदी जी जो 14वें वादे किए, जो 19वें वादे किए, कौन सा वादा पूरा हुआ है? नया क्या बता रहे हैं प्रधानमंत्री जी, वही तो सब लोग पूछ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया के साथ कब करेंगे प्रधानमंत्री जी? देश के नौजवानों को कब संबोधित करेंगे कि कब से रोजगार देना शुरू करेंगे? क्या कहना चाह रहे प्रधानमंत्री जी? 40 सीट जीतने का दावा कर रही है एनडीए। हम तो 40 सीट, अभी तो सुने 4000, अब वही हम सोच में पड़े हुए हैं 4000 आएगा कहाँ से। अभी तो वही सोच रहे हैं। अब सम्राट चौधरी ने कहा 543 सीट पे अकेले मोदी लड़ रहे हैं। अब इस देश का दुर्भाग्य है, अकेले मोदी जी के चेहरे पे देखिए आप, मतलब तो उम्मीदवार की कोई हैसियत नहीं है, उम्मीदवार का कोई नाम नहीं है, उम्मीदवार का कोई काम नहीं देखेगा। काम पड़ेगा तो मोदी जी को थोड़े ना हो जाएगा जनता ढूंढने, क्षेत्र में जो स्थानीय जो एमपी हैं, एमएलए हैं, उन्हीं को ढूंढेगी ना जनता। प्रधानमंत्री जी तो अपने क्षेत्र नहीं जाते हैं, तो बिहार कैसे आएंगे प्रधानमंत्री? बिहार आते हैं सिर्फ चुनाव के समय भाषण देने आते हैं, और वो भी मतलब पुराना वादा नहीं पूरा करते हैं, और अभी तो कोई चर्चा ही नहीं करते उन वादों की, तो कोई चर्चा ही नहीं करते हैं। हम तो सुने भी नहीं कि आज गया में क्या क्या बोले, आप ही लोग बता रहे हैं कि आपके परिवार पे आधा घंटा भाषण देके गए हैं। अब सुनेंगे अभी आप जब हमको छोड़ेंगे तो अभी हम देखेंगे हम भी अपने मोबाइल में कि क्या क्या बोल देगा। ठीक 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 ओके 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 आ रहे हैं तो और अच्छा है, उनका स्वागत है जिससे और मजबूती मिल रही है। तेजस्वी यादव ने 10 सवाल पूछे पीएम मोदी से, कहा कि भ्रष्टाचार, वंशवाद, परिवारवाद पे कब मोदी जी मुंह खोलेंगे? अरे भैया, भ्रष्टाचार के बारे में अब तेजस्वी यादव जी बोलेंगे तब तो लोग हंसेंगे ना, जिनका सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, और एक व्यक्ति नहीं पूरा परिवार, और उसमें भी भ्रष्टाचार के कई ऐसे आरोप हैं जो कोर्ट से बाजाब्ता साबित हो चुका है, अब वो क्या बोलेंगे भ्रष्टाचार के बारे में? पहले तो आप लोग बिना मतलब हवा मत बनाइए, जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी जी का हाथ है और काराकाट की महान जनता का आशीर्वाद है, दुनिया की कोई ताकत उसके रास्ता में बाधा नहीं खड़ी कर सकती है, समझ ली? पहले भाजपा झूठा पार्टी है भाइयों बहनों, 2 साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा। अरे मोदी जी झूठो तो ढंग से बोल लो, बार बार झूठ पे झूठ, ऐसा झूठ कि गोबर को भी हलवा बना देते। अरे तेजस्वी वादा किया था 10 लाख नौकरी देगा, सरकार बन गई थी लेकिन बेमानी हो गया, तब चाचा जी कहते थे अपने बाप के 5 लाख के देगा, लेकिन चाचा जी जब बीजेपी के लात मार के आए हैं माफी मांगे, हम फिर से बीजेपी को भगावे ला इनके के मुख्यमंत्री बना दिए, अपने मुख्यमंत्री बने तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी, इतना 5 लाख। अरे मोदी जी तुम बताओ कितना की नौकरी? मोदी जी कहते 4 काम किया है, पहला काम किया बेरोजगारी बढ़ा दी है, दूसरा काम किया गरीबी बढ़ा दी है, तीसरा काम किया महंगाई बढ़ा दी है, और चौथा काम किया केवल जुमलेबाजी की है, और कोई काम नहीं। इनका घोषणा पत्र आया ना नौजवान के लिए कुछ, ना हमारे किसान भाइयों के लिए कुछ, ना नौकरी की बात, ना रोजगार की बात, महंगाई कैसे कम करेंगे, पलायन कैसे रोकेंगे, ना बिहार की बात, कुछ नहीं है, कुछ नहीं मोदी जी ने दिया। यार कल सुने कि यूपी के मुख्यमंत्री आए, ऐसे मुख्यमंत्री हो कल क्यों बोले थे तमंचे? अरे मुख्यमंत्री जी, यूपी वाले मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री बनते सबसे पहले काम आपने क्या किया?
आपके ऊपर जितना 40-50 मुकदमा था क्रिमिनल का, सबसे पहले वही खत्म किया। तमंचे का ज्ञान हम लोगों को दे रहे हैं। लालू जी ने सामाजिक न्याय किया, गरीब का अधिकार दिया, खटिया पे बैठा, गरीब को सीने से लगा के सम्मान दिया। लालू जी ने रेलवे में 90,000 करोड़ का मुनाफा दिया, हर बार भाड़ा कम किया, बिहार को 4-4 कारखाना दिया। और आप बोलते हैं जंगल राज की बात करते हैं, क्या क्या लालू जी ने नहीं किया ये तो अभय जी आपको बताएंगे, समय नहीं है। लेकिन आप लोगों को समझना पड़ेगा, ये लोग खाली राम की बात कर रहे, काम की बात नहीं कर रहे। असल मुद्दा है बेरोजगारी बा, नौकरी बा, महंगाई बा, आपका गांव का विकास होना चाहिए, किसान की होना चाहिए, निवेश का होना चाहिए, कारखाने लगने चाहिए, महंगाई खत्म होनी चाहिए, गरीबी खत्म होनी चाहिए, ये असल मुद्दा है। अरे भाई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का काम है कि नौकरी दे, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारे, महंगाई कम करे, किसानों का आय दोगुना करे, गरीबी कैसे खत्म हो, प्रगति प्रदेश पे कैसे आए, कारखाना कैसे लगे। कई लोग कोई काम नहीं कर रहा है, सब केवल प्रवचन देता हूँ। तो प्रवचन अगर प्रवचन देना है तो उस लाइन में चले जाइए। मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री का काम प्रवचन देना नहीं, काम करना होता है। आई योगी जी हमको बता रहे हैं, यूपी के लोगों को भी हमने नौकरी दिया है, वहां से भाग भाग के लोग आया। बताओ तेजस्वी ने यूपी के लोगों को भी टीचर बनाया कि नहीं बनाया, प्रदेश का बदहाल कर दी, गुंडा राज स्थापित कर दिए उत्तर प्रदेश में, और यहाँ आकर के हम लोगों को सिखाइएगा। तो हम लोग सब लोग जानते हैं बिहार के लोग हैं, कोटी चिड़िया को हल्दी लगा देंगे योगी जी, समझ में नहीं आएगा। तो दादा कुछ नहीं कह रहे हम, लेकिन आप सब लोगों को एक बात समझना होगा, ये लोग खाली अपने भाषण में 10 बार नहीं 50 बार राम का नाम लेते हैं, वो लोग राम को बेचते हैं, और हम लोग राम जी के आदर्शों पर चलते हैं। ये है हम लोग, राम जी चाहते थे खुशहाली आए, शांति बने, हम कलम बांट के खुशहाली दे रहे हैं, नौकरी दे के खुशहाली दे रहे हैं। भाई भाजपा का लोग तलवार बांट करके नफरत फैलाने का काम कर रहा है, ये हिंदू मुसलमान में दंगा कराना चाहते हैं। ये लोग क्या बताएंगे, इस बार बिहार की जनता और औरंगाबाद की जनता भाजपा का राम नाम सत्य करेगी। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस गॉड ग्रेस सीबीएसई स्कूल चौगाई नर्सरी से 10 तक।